हेलो माय टू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन का यूज डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे किया जाता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्लास के अंदर बनाए जाते हैं और हर क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता है ऑलरेडी उसके अंदर पहले से। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो अगर आप खुद का कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे आज हम वो देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं और कंस डॉट डाट नाम से सेव कर लेंगे इस फाइल को। फिर यहाँ लिख देंगे हम कंस्ट्रक्शन कमेंट लाइन में और फिर उसका सिंटेक्स लिख देते हैं क्लास अंडरस्कोर नेम और इसमें ब्रैकेट में दे देंगे पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ में इसको करेंगे कंस्ट्रक्टर हाइफन बॉडी। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ मोबाइल नाम से एक क्लास बना लेते हैं, उसके बाद उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं वेयर मॉडल नाम से और एक बना लेते हैं हम वेयर रेम नेम से। और फिर इसमें मोबाइल और एम कॉमा आर और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू एम। पहले हम लिख देते हैं ऊपर कमेंट लाइन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट और फिर लिखेंगे दिस डॉट रेम इक्वल्स टू आर और यहाँ प्रिंट कर देंगे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट। अब एक और मेथड है को क्रिएट करते हैं शो नाम से और इसमें हम मॉडल और रेम को प्रिंट कर देंगे सिंपली। अब हम अपने मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आते हैं यानी वॉइड मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ लिख दे वेयर ओबीजे इक्वल्स टू मोबाइल और ये हो गया हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन कॉल्ड। अब इसमें कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हमने अपना खुद का बनाया है तो इसमें हम वैल्यू दे देंगे कंस्ट्रक्शंस में। ये 500 एंड कॉमा 10, ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ये सिर्फ क्लास में ही बनाए जाते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करते हैं तो भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन क्लास में ऑलरेडी मौजूद होता है। अब हम अपने कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया है उसको रन कर देते हैं तो आउटपुट में हमें शो होगा कंस्ट्रक्शन कॉल्ड। लेकिन इसमें हमने अभी वैल्यू जो है वो शो नहीं हो रही, तो अब हमें मेथड को कॉल कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं obj डॉट शो नाम से हमने मेथड बनाया था उसको कॉल करेंगे और फिर रन करेंगे तो आउटपुट में हमें वैल्यूज भी डिस्प्ले होगी A500 and 10। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम कंस्ट्रक्शन का बनाने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर हमें एक लाइन में कंस्ट्रक्शन कॉल करना है तो कैसे करेंगे, इसको कोड को कर देते हैं कमेंट और फिर यहाँ लिख देते हैं मोबाइल और इसके अंदर ही पैरामीटर दे देते हैं दिस डॉट मॉडल कॉमा दिस डॉट रन और इस टाइप से भी एक लाइन में हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसको सिंपली रन कर देंगे तो हमारा आउटपुट वही आएगा कंस्ट्रक्शन। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर इसी तरह हमें अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक क्लास में बनाने हो तो हम उस जो प्रॉब्लम को है वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें दिया है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब देखते हैं नेम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। और यहाँ हम नेम कंस्ट्रक्टर का यूज़ का सिंटेक्स लिख देते हैं। सबसे पहले क्लास अंडरस्कोर डॉट कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर नेम और यहाँ वही पैरामीटर दे देंगे और वही बॉडी कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी। ठीक है, फिर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे नेम्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं मोबाइल डॉट मेमोरी और इंट में दे देते हैं एम और सिंपली प्रिंट करेंगे एम को और एक प्रिंट लाइन लिख देंगे नेम्ड कंस्ट्रक्टर। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट। अब इसको कॉल करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वेयर ओबीजी वन इक्वल्स टू मोबाइल डॉट मेमोरी और इसमें वैल्यू दे देंगे 20। इस ओबीजी के जगह हम अपना कोई भी नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो आज हमने देखा नेम्ड कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।